अच्छा एक बात बताओ, एक कंट्री चलाने के लिए एक रूल रेगुलेशन संविधान की जरूरत पड़ती है। परमात्मा ने जब इस ब्रह्मांड का निर्माण किया होगा तो उसने कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाए होंगे, उसने ऐसे ही छुट्टा छोड़ दिया कि जाओ तुम छुट्टे साड़ो कुछ भी करो, ऐसे थोड़ी हो सकता। उसने ये दुनिया बनाई है, संसार बनाया है, सूर्य की नियमावली है, चंद्र की नियमावली है, दिन की नियमावली है, रात्रि की नियमावली है, वायु की है, अग्नि की है, जल की है, इन सबको नियम दे के भेजा कि जाओ ये नियमों का पालन करो, और वो करते हैं। अरे पशु भी नियम का पालन करते हैं साहब, औरों की तो बात छोड़ दो, पशु भी नियम का पालन करते हैं। कितना भी भूखा हो सिंह, कितनी भी भूख से परेशान हो, उसके आगे घास डाल दो, वो कभी भी घास नहीं खाएगा, उसका धर्म नहीं है। वो रूल जानता है, मेरा भोजन मांस है घास नहीं। और गाय कितनी भी भूखी हो उसके आगे तो मांस डाल दो, घोड़ा कितना भी भूखा हो उसके आगे मांस डाल दो, गधा कितना भी भूख गधा कितना भी भूखा हो उसके आगे मांस डाल दो, खाएगा वो? खाएगा, क्योंकि उसे पता है ये मेरा भोजन नहीं है, और जो मेरा भोजन नहीं है उसे मैं क्यों करूं। मनुष्य ही ऐसा है, इसे घास खिला दो, मांस खिला दो, कुछ भी खिला दो, ये सब में मुंह मारेगा। ये सब में मुंह मारेगा, घास में भी और मांस में भी। ये कहते वो हम तो नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? तेरे लिए नहीं बना भाई, तेरे लिए अन्न बना है, तेरे लिए वेजिटेबल्स बनी है, सबका भोजन अलग अलग है। तो जिसका जो भोजन है उसको वही करना चाहिए, जिसका जो धर्म है उसे वही फॉलोअप करना चाहिए, हाँ या ना? लेकिन जब रूल्स तोड़े जाते हैं तब परमात्मा दंड देता है, पनिशमेंट देता है। जैसे यहां रूल्स तोड़ो तो रूल्स तोड़ने पर सरकार सजा देती है, जेल में डाल देती है। ठीक वैसे ही रूल्स तोड़ने पर परमात्मा ने जेल बनाई है, उसी को नरक कहते हैं। और वो हर चीज, जो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, क्रिश्चियन लोग भी इस नरक को मानते हैं। हेल एंड हेवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल? नरक ही है, यस और नो? मुस्लिम लोग वो क्या कहते हैं, जहन्नुम एंड जन्नत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जहन्नुम? नरक, यस और नो? हमारे सिख भाई लोग तो स्वर्ग नरक की ही बातें करते हैं, वो तो क्योंकि हम तो सब एक ही हैं। जैन भाई भी हमारे स्वर्ग नरक की चर्चा करते हैं, हाँ या ना? फिर हम तो एक ही है ना, इसलिए हमने शब्द नहीं बदले, हमारा तो वही सब सिस्टम सेट है। हमारे यहां जिसे स्वर्ग और नरक कहा गया, उर्दू में उसे जन्नत और जहन्नुम कहा गया, इंग्लिश में उसे हेवन एंड हेल कहा गया। इसका मतलब गीता पुरानी है कि बाइबल? जब हमने स्वर्ग नरक कह ही दिया तो बाकी के जहन्नुम जन्नत करने की क्या जरूरत थी? हमने लिख दिया ना, हमारे संतों ने लिख दिया ना, फिर काहे नकल करके शब्द बदल के सिस्टम वही सेट कर दिया? मतलब सामान वही है, सिर्फ ऊपर से पैकिंग चेंज करके चिपका के दे दिया कि ये नया सिस्टम है, हमारे यहां उसको हेल एंड हेवन कहते, राइट? प्राउड करो, संसार को स्वर्ग नरक की भाषा भी बताने वाले हम लोग हैं। प्राउड करो, तुम सनातनी हो, बस झूठे सनातनी खाए जा रहे हैं हमको। सच्चे बन जाओगे चकाचक, सच्चे सनातनी बनो, खान पीन का ध्यान रखो, आने जाने का ध्यान रखो, सच्चे सनातनी बनो।